नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहिणी आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि आप गर्मियों में अपना और अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। जितना ध्यान रखना बच्चे का ज़रूरी है, उतना ही ध्यान रखना आपका भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मई का मौसम है, अप्रैल मई का जो मौसम है इसमें हमें लू बहुत चलती है हमारे नॉर्थ इंडिया में। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। आपको अपने बच्चे को भी बचा के रखना है, वो स्कूल आप भेजना ही पड़ेगा, आपको बच्चे को स्कूल भी भेजना पड़ता है। अगर आपका बच्चा छोटा है, मेरे देवांश देवी ना जैसा है, 2+ है, तब भी आपको बच्चे को कभी ना कभी पार्क में ले जाना पड़ेगा, या घर से बाहर तो आप कहीं ना कहीं बच्चे को लेके जाएंगे। तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको अपने केस में क्या करना है अगर आप बाहर जाएं, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे आप सबको ये सी चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर की जाएँ। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको करना है कि अपने बच्चे का सिर, या आप जा रहे हैं तो अपना सिर हमेशा कवर करके रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीट है हमको सन रेज हैं जो सिर पर पड़ती हैं और बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट देती हैं। हमको अपने हेड को कवर करके रखना चाहिए। सेकंड, हमेशा आप भी और बच्चा भी स्टे हाइड्रेटेड। सेकंड पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि अगर आपके अंदर वाटर लेवल कम होगा आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, आपको ज़्यादा प्यास लगेगी और आपका और चीज़ें खराब होने की, बॉडी में चेंजेस होने की संभावना ज़्यादा होती है। डिहाइड्रेशन से आपको आगे फ्यूचर में आपके बच्चे को आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, डिजेंट्री की शिकायत हो सकती है, लूज मोशंस हो सकते हैं, या वॉमिटिंग भी हो जाता है गर्मियों में अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहते तो। हाइड्रेशन का ऑप्शन क्या आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप सबसे पहला ऑप्शन है नारियल पानी। नारियल पानी आप पिए, ग्लूकोज का पानी आप पिए, टैंग है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप, नींबू पानी है, आप नींबू पानी डेली बनाकर बच्चे को दे सकते हैं, खुद ले सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं, या फ्रूट्स हैं आपके जिनमें हाईली रिच इन वाटर जो होते हैं वो हैं, जैसे कि आपका आपका ये हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, आपका मस्क मेलन हो गया, खरबूजा है, तरबूजा है, आप खीरा खा सकते हैं, खीरा भी बहुत अच्छा सोर्स है वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन आप कोशिश करें जो ये फ्रूट्स हैं ये आप आफ्टरनून के टाइम ही खाएं, या उससे पहले खाएं, उसके बाद ना खाएं, बिकॉज उसके बाद हमारी बॉडी जो है वाटर रिटेंशन को कम करना शुरू करती है। उससे पहले ही आप अगर ये फ्रूट्स खाएंगे तभी आपको एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप दूध है, ठंडा दूध है, रूवजा डाल के ले सकते हैं, या आप लस्सी बनाकर पी सकते हैं, छाछ जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ पर, मीठी लस्सी आप बनाकर पी सकते हैं। ये सारे आपको लिक्विड में ऑप्शंस हैं, ये सब भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप जो गर्मियों से बचना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाने की बजाय आप कोशिश करें कि घर में ही रहें, क्योंकि ज़्यादा बाहर जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें करते हुए भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज बहुत हीट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। कोशिश करें 2-व्हीलर का यूज़ ना करके 2-व्हीलर का 4-व्हीलर का यूज़ करें। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको और आपके बच्चे को गर्मी से बचा सकती हैं। अगर इन सब चीज़ों के करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को लू लग जाती है या उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आप मेरी एक दूसरी वीडियो है जो भी, जो बच्चे को दस्त लग जाएं या लूज मोशन हो जाएं तो क्या करें, और अगर आप बड़े हैं तो भी मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप जो बच्चे की दवाइयाँ हैं उन्हीं को डबल डोज करके ले सकते हैं, या एक कैप्सूल मैंने बताया था वो कैप्सूल आप खा सकते हैं, या खाकी गोली आती है आप वो ले सकते हैं, या एंट्रोगेस्ट्रॉल करके गोली आती है आप वो भी खा सकते हैं लूज मोशन अगर आपको हो रहे हैं। अगर आपको वॉमिटिंग है आप एक एमसेट की गोली आती है आप वो खा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो प्लीज़ आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिस भी फैमिली डॉक्टर को दिखाते हैं उसको ज़रूर मिलिए। अगर आपको और आपके बच्चे को ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो आप ORS का घोल उसको पिला सकते हैं, ORS नहीं है तो नींबू चीनी का घोल, जिसको नींबू पानी टाइप होते हैं, वो बच्चे को पिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, जैसे देवांश देवी ने जब छोटे थे आप उसको दूध को फाड़ कर, दूध ना दें, दूध जो होता है दस्तावर होता है, दूध को फाड़ कर आप उसको दूध का पानी जो होता है उसमें हल्की सी चीनी मिलाकर दे सकते हैं। दाल का पानी छान कर आप उसको, उबली दाल का पानी उसमें हल्का सा नमक मिलाकर,
हींग मिलाकर आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा दही एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपके बच्चे को लूज मोशन लग जाते हैं तो आप उसे मॉर्निंग में दही खिलाइए, बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा आप उसे बनाना खिला सकते हैं, बनाना से भी लूज मोशन में बहुत हेल्प मिलती है, आप भी खा सकते हैं बनाना। सो ये सारी चीज़ें हैं आप जो कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। और बहुत सारी और जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको कोई और क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग, सो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वेट करूँगी आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, और ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब के लिए धन्यवाद। बाय बाय।